दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को शोधार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शोधार्थियों को संबोधित किया और उन्हें सेमेस्टर के संबंध में जानकारी दी, जिस पर शोध छात्रों ने कुलपति के बातों पर असहमति जताते हुए समय से परीक्षा कराने की बात कही, जिस पर कुलपति ने कहा कि सेमेस्टर के हिसाब से ही परीक्षा कराया जाएगा, जिस पर छात्रों ने कुलपति पर भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग की। इस दौरान कई छात्रों का जवाब कुलपति नहीं दे पाए और उन्हें बैठने का आग्रह करते रहे। इस दौरान शोध छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कुलपति कार्यक्रम से उठकर चले गए। छात्र कुलपति तक ना पहुंच पाए इसके लिए दीक्षा भवन परिसर का दोनों गेट बंद कर दिया गया। कुलपति के जाने के बाद ही गेट खोला गया। फिलहाल शोध छात्रों द्वारा परीक्षा कराने की मांग को कुलपति टालते रहे और एक सप्ताह में दोबारा संवाद कर उस पर निर्णय का आश्वासन दिया है। डिपार्टमेंट का रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा होती है। पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ ये रिसर्च फंड की बात है, सेकेंड की है, इससे चर्चा हो रही है। हमारी प्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, तरह की चर्चाएं चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो आने वाले रिसर्च कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमारे इन्हीं साथियों से आने वाले हैं, हमारे सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो। आपने देखा होगा जब से मैं आया हूँ, कोशिश करता रहा हूँ कि फेलोशिप हो, इंटरनेशनल फेलोशिप हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि एक पीजी स्टूडेंट अगर एडमिट होता है तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, एक बेस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को अपना चाहिए, जो कि नहीं है। समय से कोर्स हो जाए, ठीक से लेक्चर्स पूरे हो जाए, उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले, बेस्ट रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिले, इवन उसको रेजिडेंस फेलोशिप, हर स्टूडेंट को पीएचडी फेलोशिप मिले। चीज़ों को जैसे मैरिड स्टूडेंट, तो मैरिड स्टूडेंट को स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। हमारा एक इंटरनेशनल हॉस्टल जो है, इंटरनेशनल कपाली हॉस्टल 54 उसका हम लोग को मिला है, तो हम लोग डिसाइड किया उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट को देंगे और मैरिड पीएचडी या पीडीएफ स्टूडेंट को देंगे। तो मैं इस पर विचार करता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, कोशिश करती है। चैलेंजेस बहुत हैं, हमें 1500 शोधार्थियों की के उस पर खड़े हो जाता है, कुछ समस्याएं हैं। मैंने देखा जब से मैं आया हूँ, मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ और मैंने देखा कि समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं में जैसे मैं आया तो मैंने ऑर्डिनेंस पढ़ा, ऑर्डिनेंस बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्च स्कॉलर को फेवर नहीं करता था। मैंने पर्सनली इंटरेस्ट किया उस पर, पहले देखा कि कोर्स वर्क क्लियर नहीं था, जो भी आने वाले हैं स्टूडेंट हैं, कोर्स वर्क का जो सीवियर सिस्टम जो एजुकेशन पॉलिसी में आया है या सेमेस्टर सिस्टम, सीवियर सिस्टम बहुत क्लियर है, जो लोगों ने पढ़ा है। कोई भी कोर्स तभी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करेगा जब वो बोर्ड ऑफ स्टडी उसको पास करेगी, उसको उसके बाद वो फैकल्टी में जाएगा, एकेडमिक काउंसिल में जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाद वो जाएगा राज, उसका ऑर्डिनेंस अप्रूव होता है। मैंने देखा है कि जब अभी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं था पीएचडी का, इमीडिएटली जो बेस्ट हम लोग को समझ पाया, हमने चर्चा की सरकार को अलग अलग मीटिंग में, एड्स के मीटिंग में चर्चा की और हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया, उसको एकेडमिक काउंसिल से नवंबर 2000 में अप्रूव कर दिया। उसके बाद उसका ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं होता, ऑर्डिनेंस इस बार अप्रूव हुआ है, फिर वो ऑर्डिनेंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो ऑर्डिनेंस देखा जाता है, एक्ट देखी जाती है और उसके अनुसार जो है, तो हमारे ऑर्डिनेंस में ये कॉन्ट्रडिक्ट था, उसको करके हमने वोट पास कर दिया। उसके बाद ये जो सिलेबस है गैर कानून वो एक ऑर्डिनेंस बन के आ गया। आप कंट्रोलर साहब को देखिए, कंट्रोलर साहब से तो कितनी बार चर्चा की, ऑर्डिनेंस में एक कोर्स है,
के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पोस्ट और ग्राफिक हुआ चीज में बुरे लिया जो दिसंबर जनवरी अगस्त के बाद इस पीआरटी से मेरे को किसी भी डिमांड जाना की जो नियम है ये तो आज आप हमारे अकॉर्डिंग हम एक चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो मतलब हमारे यूनिवर्सिटी सबसे पहले इसको रहा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी एच डी उपाधि प्रदान करने हो न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया जिनमें 2016 को विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया सर विनियम 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5 मई 2016 को निर्गत किया गया तथा जो भारत के राजपत्र संख्या 278 साप्ताहिक 5 जुलाई 2016 में प्रकाशित होने की तिथि से लागू इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 28 जून 2017 द्वारा स्वीकृत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी अध्यादेश 2016 के प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24/8/2018 को प्रेषित पत्र संख्या 7/2018/2166/1/2001/2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 66 के अंतर्गत जारी प्रदत्त आदेश के अनुपालन में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त अधिनियम 2016 में किए गए हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं सर पेपर में यूनिवर्सिटी